उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ के आह्वान पर मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय के बाहर एक विरोध प्रदर्शन किया गया। कारखाना कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न मांगों के, विभिन्न समस्याओं के बारे में प्रशासन को चेताने के लिए हमने ये प्रदर्शन किया कि सातवें वेतन आयोग में बंजिंग का लाभ देते हुए कर्मचारियों को वेतन निर्धारण में पुनः वेतन निर्धारण करने का रेलवे बोर्ड का आदेश आए हुए 6 मई से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन उसके अनुसार कर्मचारियों को वेतन निर्धारण संशोधित नहीं किया जा रहा है। ठीक इसी तरह से वर्ष 2017-18-19 तीन साल से सुरक्षात्मक वर्दी जो सेफ्टी गारमेंट्स है जो कारखाना कर्मचारियों को दे है, जो देना चाहिए वो तो नहीं दे रहे, जबकि हेडिंग तक बंद कर दिया गया मुख्यालय द्वारा। यूनिफॉर्म अलाउंस तो नहीं दे रहे, न यूनिफॉर्म दे रहे। ठीक इसी तरह से कारखाने के अंदर सफाई का कार्य में ठेकेदार द्वारा पर्याप्त मात्रा में कर्मचारी नहीं लगाने के कारण सफाई व्यवस्था पूरी तरह से डगमगाया गया हुआ है, और जहां तक स्क्रैप उठाने की बात है ठेकेदार द्वारा इसमें अनदेखा किया जा रहा है। इसी तरह से शंडिंग में प्रशिक्षित कर्मचारियों से कार्य नहीं लिया जा रहे, दुर्घटना होने की संभावना बना रहता है, छोटी मोटी दुर्घटना भी होता है तो संबंधित कर्मचारी श्रम शक्ति के अपर्याप्त में कमी में जो काम करने वाला कर्मचारी को प्रताड़ित किया जाता है। इस तरह से कारखाने से जुड़े मुख्यालय स्तर का खाना कारखाने स्तर का तमाम समस्या है। इस समस्याओं को रेल प्रशासन मुख्य कारखाना प्रबंधक महोदय के लाके सामने लाकर निराकरण के लिए उद्देश्य से उत्तर पश्चिम रेलवे मजदूर संघ द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया गया। मैं SI जैकब, मंडल अध्यक्ष UPRMS अजमेर।